हेलो फैंस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं डिवाइस नेम के बारे में, जैसे कि हम डिवाइस नेम कैसे चेक कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फैंस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैन जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फैन सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर क्या करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं अबाउट डिवाइस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर क्या करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिवाइस नेम देखने के लिए मिलता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना डिवाइस नेम चेक कर सकते हैं। और फैन चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से कट करेंगे, कट करने के बाद हम यहाँ पर कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना वीवो लिख लेता हूँ और मेरा सेव हो जाएगा। इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और फैंस, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है डिवाइस नेम, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना डिवाइस नेम चेक कर सकते हैं इस तरीके से। और चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि स्टोरेज पर जाएंगे तो आप यहाँ से अपना स्टोरेज क्लीन करना चाहते हैं क्लीन कर सकते हैं, चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट करना होगा चेक करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा 64 GB टोटल है, जिसमें से 45.9 GB यूज़ हो चुका है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फैन वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।